हेलो दोस्तों, ये है TVS Apache RTR 164 वाल्व जो अभी लॉन्च हुई है। सबसे पहले हम आपके पास इसका वीडियो लेके आ रहे हैं। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन जो है ये TVS के ड्रैकन कॉन्सेप्ट से ली गई है। ये आप देख सकते हैं कि जो RTR 200 है, अब 160 भी उसी की तरह लगती है। अब इस बाइक में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसके डिज़ाइन के अलावा इसके ग्राफिक्स, ये रेस के चेकर्ड फ्लैग से इंस्पायर है और उसी तरह से लग रहे हैं। ये देखिए, ये रेड कलर में बाइक है। इसके डिज़ाइन RTR का DNA है इसमें, और ये कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन दोनों में आएगी। ये इसका फ्रंट है, देखिए इसका हेडलैम्प, इसमें LED TRLs लगे हुए हैं। अग्रेसिव लुकिंग बाइक है ये, और इसके मडगार्ड पे देखिए TVS रेसिंग का लोगो आपको यहाँ दिखेगा। स्टाइलिश है ये। वहीं इसके अलॉय व्हील्स जो हैं मल्टी स्पोक के, उस पर भी आपको TVS रेसिंग का यहाँ पे ग्राफिक्स आएंगे। डिस्क ब्रेक लगा हुआ है इसमें सामने, पेटल डिस्क। और इसका जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसका इंजन है। अब इसमें जैसे कि इसका नाम बताता है 160 cc का इंजन है, और इसमें 16 bhp का पावर अब आ गया है, पहले से 1 bhp ज़्यादा। और ये TVS क्लेम करती है कि अपने क्लास में सबसे पावरफुल बाइक है। टॉर्क इसमें 14.8 Nm का है, और 5-speed का गियर बॉक्स है इसमें। और ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल है, जिस तरह से 200 में आता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, डिजिटल क्लॉक, गियर इंडिकेटर और ओडोमीटर है मिलेगा। ये स्विच गियर है इसका, जो सिमिलर है 200 से। इंजन किल स्विच भी है इसमें, और ये एक फ्लैट हैंडल बार है। अब ये इसकी सीट है, सिंगल पीस सीट है ये। और यहाँ इसके रियर टेल पे आपको RTR 164 वाल्व की ब्रांडिंग आएगी। ये फ्यूल इंजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे FI लिखा हुआ है। ये इसका ग्रैब हैंडल है, और ये टेल लैंप। टर्न इंडिकेटर्स, और ये पीछे का डिस्प्ले है इसका। अब इसके एग्जॉस्ट में भी काफ़ी चेंजेस किए कंपनी ने। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ये थोड़ा डीप है। अब पीछे आप देखेंगे मोनोशॉक लगा हुआ है, और आगे ऑफ कोर्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। कंपनी का कहना है कि इसका पावर टू वेट रेशियो भी जो है ये बेस्ट इन क्लास है, और लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी है इससे। इसकी एरोडायनामिक्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और इसकी जो शैसी है इस बाइक की, ये अब पहले से लगभग 58% ज़्यादा स्टिफ हो गई है। डबल क्रेडल का फ्रेम है इसमें।
और परफॉर्मेंस के मामले में जैसे मैंने कहा कि ये बेस्ट इन क्लास है, तो 0 to 60 पहुंचने में इसे 4.73 सेकंड्स लगते हैं सिर्फ, जो कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है इस कैटेगरी में। ये जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है, ये शोवा का ट्यून किया हुआ सस्पेंशन है, तो इसकी स्टिफनेस काफ़ी अच्छी है, तो जो इसके राइड डायनेमिक्स हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब इसके बारे में हम आपके पास और डिटेल्स लाएंगे जब हम इस बाइक को चलाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस बाइक के राइड के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि चलने में ये कैसी है। अब ये देखिए, यहाँ साइड से आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। अब और इसकी प्राइस, अब सबसे बड़ा सवाल जो आप सब पूछेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। वेल, ये दो वर्जन्स में आती है, एक कार्बोरेटर और एक फ्यूल इंजेक्शन। तो कार्बोरेटर की प्राइस है 81,490 एक शोरूम दिल्ली, और जो इसका फ्यूल इंजेक्शन वर्जन है उसकी प्राइस है 89,990। ये दोनों प्राइसेस एक शोरूम दिल्ली की हैं, अभी अभी कंपनी ने अनाउंस किया है इसे। और तीन कलर्स में ये बाइक यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे आपने ये रेड वाली देखी है, ये ब्लैक है, और तीसरा कलर जो है वो यही ब्लू कलर। ब्लू कलर जो है ये सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन में है, ब्लू वाइट एंड सिल्वर। ये ब्लू है, यहाँ पे टैंक पे एक वाइट स्ट्रिप है, साइड पैनल इसका सिल्वर कलर का है, और टेल फिर से वाइट कलर की। अब ये कार्बोरेटर वर्जन है इसलिए इस पर कोई इंडिकेशन नहीं है। ये देखिए, इसका कार्बोरेटर है। Finish pricing ranges from 81,490 for the base variant to 89,990 for the top-up line fuel injected version. Vivek, I'll have to come back to you for the fuel tank capacity. You can give me 2 minutes, I shall let you know. Or so far, yes, there is. Yes, ke tires hain 130-70 R17 section ke. तो दोस्तों हमें बताइए आपको कलर कौन सा अच्छा लगा, रेड या ये ब्लैक या फिर ये ब्लू कलर। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए दोस्तों, तीनों में से कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अजीब सी है, तो एग्जैक्ट कलर्स आपको पता नहीं लग रहे हैं। देखिए ये एंगल बेटर है, बट थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि हम इसे जल्दी चलाने वाले हैं और इस बाइक के बारे में और भी डिटेल्स आप तक पहुँचाएँगे कि ये चलने में कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी पावर डिलीवरी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, और क्या इस प्राइस पे ये बाइक वर्थ है या नहीं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी MotorOctane के यूट्यूब चैनल को दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी अभी TVS ने ये बाइक लॉन्च की है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम आपके पास लेके आए हैं। Thank you.
Take care, dosto. Ride safe and always wear your helmet.